Today we are discussing about how to find out square root in 5 seconds. या हम घनमूल ये वर्गमूल 5 सेकंड में कैसे निकालेंगे? For example, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16. लेकिन हमने क्या लेना है? इकाई का अंक. 16 का इकाई का अंक, 16 का इकाई का अंक 6 आ गया, दाई का अंक 1. तो हमने क्या लेना है? इकाई का अंक. 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81. यदि हमें कोई भी क्वेश्चन करना हो, फर्स्ट क्वेश्चन 64 का स्क्वायर रूट निकालो. 64 पहले हम इसको जोड़े में डिवाइड करेंगे. 1 2 2 का जोड़ा 1 बना. इस साइड तो कुछ भी नहीं है, इस साइड कुछ भी नहीं है, तो 0 लिख दो. 4 किसी के लास्ट में आ जाएगा तो क्या आंसर आएगा? 4 लास्ट में आएगा तो 2 आएगा या 8 आएगा. इसका आंसर चलो 2 आएगा या 8 आएगा. अब हमें 5 का हमने पिछली वीडियो में सीख लिया था, जो हमने पीछे वीडियो बनाई थी, 5 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं. 5 का स्क्वायर आ गया 25, लेकिन ये 25 से ज्यादा है, ज्यादा है तो बड़े वाला आंसर आ जाएगा 0 और 8, ये आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2, यदि हमने लगभग 225 का स्क्वायर रूट निकाला, पहले इसको जोड़ा बनाओ, 1 2 डिवाइड करते हैं. इस साइड कितना है? 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 4 से छोटा है तो मैं क्या ले लूंगा? 1. लास्ट में क्या है? 5, 5 किसके लास्ट में आएगा? 5 किसके लास्ट में आएगा तो 5 ही है, तो आंसर कितना आ गया? 5 बन गया. कितना इजी हो गया. एग्जाम्पल नंबर 3, यदि यहां पर आ जाए 961, पहले इसको 1 2 जोड़े में डिवाइड कर लिया. 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16. 16 है तो मैं 4 तो ले नहीं सकता क्योंकि ये 9 है, 16 से कम है, तो मैं कितना ले लूंगा? 3. 1 है लास्ट में, 1 किसके लास्ट में आएगा? चाहे तो 9 9 का स्क्वायर हो 1 आएगा या 1 का स्क्वायर 1 हो, चाहे तो आंसर आ जाएगा 31 या 39, इन दोनों में से एक आंसर. लेकिन आपने पिछले वीडियो में आपने सीखा था 35 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं 2 सेकंड के अंदर. 35 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? जिसके लास्ट में 5 आ जाए, 25 तो आएगा ही आएगा. 3 है, 3 में 1 जोड़ो, 4 इनके आपस में गुणा कर दो, 3 चौके 12. 1225 से ये कम है तो कम वाला आंसर आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 31. एक बार दोबारा देखो, 961 का उसका स्क्वायर रूट निकालना था, पहले दो अक्षर लिए उनको डिवाइड कर दिया. इस साइड कितना था? 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 3 ले लिया मैंने. यदि 1 है लास्ट में, 1 है तो यदि लास्ट में किसके 1 आएगा, चाहे 9 हो या 1 हो, या तो 31 आंसर आएगा या 39. 35 का हमने पिछली वीडियो में सीख लिया था 1225, 1225 से ये कम है तो 39 का तो हो नहीं सकता, तो किसका होगा? 31 का. दो तीन और एग्जांपल लेते हैं तो आपका सही क्लियर हो जाएगा. ये क्वेश्चन नंबर 4, यदि 1296, पहले इसको डिवाइड करेंगे 2, 1 2 डिवाइड. अब देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 16 से ये कम है तो मैं क्या ले कितना ले लूंगा? 3. लास्ट में क्या आ गया? 6, 6 लास्ट में किसके है? चलो 4 आएगा या 6 आएगा, 34 या 36, इनमें से एक आंसर आएगा तो कंफर्म होगा. 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1225, 1225 से ये ज्यादा है तो 35 से ज्यादा नहीं पाएगा तो कितना आ जाएगा? 36. क्वेश्चन नंबर 5, यदि हमने किसी चीज का भी स्क्वायर निकालना, जैसे यहां पे 1024 आ गया, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, पहले मैं क्या करूंगा? दो भागों में डिवाइड करूंगा. 10 है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, तो 3 ले लूंगा क्योंकि 4 नहीं ले सकता क्योंकि 16 है.
लास्ट में क्या है फोर, फोर किसके लास्ट में आएगा, चलो दो आंसर आना चाहिए या आठ, तो 32 आएगा या 38 आएगा। 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225, 1225 से कम है तो कम वाला आंसर होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, थैंक यू।